अब क्या बताते हैं कि भक्ति करें बौजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मिर्गा कठिन कठोर है कौ कांड काई रे, कस्तूरी है नाभि माये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में अरे पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ये भूत आ गया रे, गलती से आ जाए एक आधा नालायक डीट होता ये भूत, समझदार तो दूर रह जाते हैं वो, भाई क्यों दे तुड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पिटोगे। ये एक आधा मूर्ख आ जाए पिटाए पिट, आदत होएगा दी पट्टन की परमात्मा से, तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा देखो ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे, इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, अब इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही, और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी किराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है कि या तो, क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है, कि या तो दूर रहना है ना फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है उसकी फिर यहाँ समारा जा, भगवान अंदर से उनको कूटता है, तो चिल्ला रहे हैं मूर्खी में, अब रो रहे हैं अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तो पुण्यात्मा इनका भी छुटकारा होगा। अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पर असर करेगी, उसके बच्चे सारे हैं जीव जंतु चिट्टी हाथी पशु पक्षी भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं, और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवाद करता, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इसी जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन तूर मिलाई रे। राजा तो राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और श्याम ने गुटी लाने की माया फालतू मिल जाती है, तो उनको तो अभिमान गणा हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते। और पंडित जो गुरु गुरु पद पर विद्यमान है उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग कर मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन सौंज ये सब सौंज बनाई रे, और देख ही हो जाएगा पर्वत से राई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर तत् ब्रह्म को, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, तत्व दसी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि
के उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जरा मान बुढ़ापा वृद्धावस्था का कैर और मरण मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते अर्जुन, वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं। तो अर्जुन ने आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है। तो ये प्रश्न पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहां जरा मरण नहीं होता, वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है, और यहां दोनों डेफिनेट है। यदि मृत्यु भी है और वृद्धावस्था भी है, लंबी उम्र होगी तो वृद्धावस्था है, बीच में मर गया तो सौ सौ पहाड़ टूट जाए परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक कथा बच्चों का क्या होगा, हुआ तो वृद्धावस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं, आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए, उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और दो चार दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा, और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है, उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के तीखे, और उनको पकड़ती है, और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कति नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं, ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहाँ पहुँचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी, और वो बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ की मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि हे भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है, एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, फल वो घास फूस है,
गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से और वो कसाई देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उन्होंने तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बकरी होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो, धर्मदास परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे, एक का परिवार के बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुणात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बूढ़े बूढ़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुलनाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया एक मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। या तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और किस कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो ने सोचा है ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते सभी टेंशन लिए फिरते हैं। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं।